दोस्तों, आज जब मैं यहाँ आया तो कुछ मीडिया के साथियों से बात हो रही थी। एक मीडिया के साथी ने कहा कि आप एंटी एनआरसी हैं। हम बोले नहीं, हम एंटी आदमी नहीं हैं, हम प्रो आदमी हैं। इसीलिए किसी चीज का एंटी होने की बजाय हम प्रो होने की कोशिश करते हैं। हम एंटी एनआरसी से ज्यादा प्रो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस बात को आप समझ लीजिए। और हमारी जो पूरी की पूरी लड़ाई है, वो लड़ाई इस देश के बुनियादी मूल्य को, इसकी आधारभूत संरचना को, इस देश के इतिहास को, संस्कृति को, सभ्यता को, उस बात को बचाने की जरूरत है जिससे यह देश बनता है। और वो आधार है विविधता में एकता। आप उसको एकता में विविधता भी कह सकते हैं। अगर आप हिंदुस्तान को देखेंगे, इंडिया, भारत, जो कह लीजिए, तो एक चीज आप सब लोग स्वीकार करेंगे कि यह देश किसी एक पहचान का देश नहीं है। कई पहचानों को मिला करके यह एक देश बनता है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर गुजरात तक, जब आप इस देश को घूमेंगे तो जो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि ये अलग अलग भाषा, बोली, क्षेत्र, संस्कृति, अलग अलग पहचान के लोग एक साथ कैसे हैं। उनको एक साथ रखने का एहसास इस देश का संविधान पैदा करता है। ठीक बात है कि संविधान की बहुत सारी चीजें आज भी लागू नहीं हुई है, लेकिन कम से कम इस देश में रहने वाले सभी लोगों को इस बात का एहसास है, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, उनका धर्म कुछ भी हो, उनकी पहचान कुछ भी हो, उनकी भाषा, बोली, क्षेत्र कुछ भी हो, कि यह देश हम सब लोगों के लिए बराबर है। यह जो एनआरसी का पूरा मामला है, यह वो कोशिश है कि इस एहसास को हमसे छीन लिया जाए। अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को घुसपैठिया साबित कर दिया जाए। मैं किसी भी गैर कानूनी चीज का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन कानून के नाम पर किसी गैर कानूनी कोशिश को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यहां एक बात हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि अगर सरकार कहेगी कि हम घुसपैठ की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो कोई भी सामान्य नागरिक इसका विरोध नहीं करेगा। जैसे सरकार ने कहा कि हम आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे, तो सब लोग उस झांसे में आ गए कि नहीं आ गए। हम नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो सब लोग उस झांसे में आ गए कि नहीं आ गए। इस सरकार की खासियत यह है कि मुख में राम, बगल में नाथूराम लेकर के घूमती है। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर जोर शोर से यह बात प्रचारित किया जाए कि हम घुसपैठियों को रोकना चाहते हैं, घुसपैठियों को बाहर करना चाहते हैं, तो कोई सामान्य नागरिक कहेगा यह तो ठीक बात है। क्या सचमुच सरकार की यही मंशा है? अंग्रेजी में एक वर्ड है, डबल स्पीक। यह सरकार पूरे तौर पे डबल स्पीक के फॉर्मूले पे काम करती है। डबल स्पीक यह होता है कि बोलेंगे मुंह से कुछ और, लेकिन हम करेंगे कुछ और। एक बात अब सब लोग ईमानदारी से बताइए कि जब देश के प्रधानमंत्री गांधी जी के ऊपर माला चढ़ाते हैं, तब वो तस्वीर आपको अजीब लगती है कि नहीं लगती? ये कैसे हो सकता है कि हिंसा का समर्थक, हिंसा को जायज ठहराने वाला व्यक्ति
जिसने अपनी पूरे के पूरे राजनीतिक जीवन में सुबह को लगने वाली आरएसएस की हर शाखा में यह सीखा हो कि देश का राष्ट्रपिता गोडसे को होना चाहिए, वो गांधी पे माला कैसे चढ़ा है। इसको कहते हैं डबल स्पीड। ये कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और पहले कांग्रेसियों के घर पे ईडी का रेड डलवाते हैं, फिर शाम को बुला करके उसको भाजपा की सदस्यता दिलवाते हैं। ये डबल स्पीक है कि नहीं है? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एनआरसी के मामले पे भी यह सरकार डबल स्पीक का गेम खेल रही है। डबल स्पीक कैसा है इसको समझ लीजिए कि पहले जोर शोर से प्रचारित किया गया कि मुसलमानों से को देश से बाहर किया जाएगा जो बांग्लादेश से आकर के इस देश में फंस गए हैं। तो मैं थोड़ा सा इतिहास आपको याद दिला देता हूं। मैंने इतिहास पढ़ा है और आप कहिएगा तो मैं अपनी डिग्री भी दिखा दूंगा आपको। मैं कोई गलत जानकारी आपको नहीं दे रहा हूं। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो मुसलमान ज्यादा आए थे कि गैर मुसलमान ज्यादा आए थे, सोच करके बताइए। मुसलमानों के लिए मुसलमानों की राजनीति करने वाली मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, अंग्रेजों के मदद से इस देश का बंटवारा किया गया। इतिहास जान लीजिएगा। अब एक मजेदार निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद को लेकर। बाबरी मस्जिद को लेकर के जो पहला एफआईआर दर्ज हुआ था वो किसी हिंदू के ऊपर नहीं हुआ था, पंजाब से लाकर के कुछ सिखों को उसमें नामजद किया गया। और ये जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज जानते थे इस बात को कि इस देश को यदि कमजोर करना है तो इस देश को आपस में बांटना बहुत जरूरी है। क्या मैं गलत जानकारी आपको दे रहा हूं कि अंग्रेजों ने इस देश को बांटने के लिए मस्जिदों में सुअर का मांस और मंदिरों में गाय के मांस भिगवाए थे, हिंदू मुसलमान के दंगे करवाए थे और जो माफी मांगे गई पहचान के आधार पर राजनीति करने वाले तथा कथित स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा उन्होंने अपनी हर माफीनामे में लिखा कि हमको काला पानी से बाहर कर दीजिए, माए बाप आपका हम बहुत मदद करने वाले हैं। एक तरफ हिंदू महासभा और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, दोनों की मदद से हिंदू मुसलमान की नफरत की राजनीति को हवा दे करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अंग्रेजों को लगा कि हम इस देश को और गुलाम बना करके नहीं रख सकते हैं तो अवसरवादी नेताओं की मदद से इस देश का बंटवारा करके चले गए। और आज भी 70 साल हो गए इस देश के आजादी को, हमारे दिमाग में यही घूमता रहता है। एक बात आप सोच करके बताइए कि आपके पास एक फ्लोर का घर है तो आप कंपटीशन 3 फ्लोर के घर वाले से करेंगे या जो फुटपाथ पे सोने वाला आदमी है उससे कंपटीशन करेंगे? भारत को यदि कंपटीशन करना होगा तो भारत को फ्रांस से कंपटीशन करना चाहिए कि पाकिस्तान से कंपटीशन करना चाहिए? ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इस देश में फूट डालो राज करो की नीति पे चलने वाली, अंग्रेजों को समर्थन करने वाली पार्टी आज इस देश की सरकार के टीम सत्ता पे काबिज है। और बहुत चालाकी से उसको मालूम है कि इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जिसके दिल में दर्द है, बंटवारे का दर्द है। वो दर्द इसलिए है कि रातों रात आधा खेत भारत में और आधा खेत पाकिस्तान में चला गया, रातों रात ससुराल हिंदुस्तान में और मायका पाकिस्तान में चला गया। यह जो बंटवारे का दर्द है
इस बंटवारे के दर्द को अगर आप महसूस करने की कोशिश करेंगे, या तो आपको हमारा जो पश्चिमी सीमा है, जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वहां के लोगों में आपको ज्यादा मिलेगा, या तो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पे आपको ज्यादा मिलेगा। और शरणार्थी कैंपों में जो लोग आकर के रहे थे, तो आप दिल्ली के इलाकों में जब घूमेंगे तब आपको मिलेगा। उस दर्द को, उस घाव को जान बूझ करके दिन रात उड़ेदा जाता है, उसको जिंदा किया जाता है, ताकि इतने साल साथ रहने के बावजूद हम हिंदू और मुसलमान बने रहे, या हिंदुस्तान आपस में एक ना हो पाए, भारत एकजुट ना हो पाए। और उसी राजनीति को हवा देने के लिए यह पूरा का पूरा एक्सरसाइज किया जा रहा है। हमसे पूछ लीजिए तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार यदि चाहती है कि वो अपने नागरिकों की पहचान करे, सरकार यदि चाहती है कि वह अपने नागरिकों का काउंटिंग करे, तो कर ले, ये सरकार का काम है। सरकार लोगों को क्यों परेशान करे? एक बात आप सोच करके बताइए, इस देश में किसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है? मैं अपना उदाहरण बता दूंगा, मेरा एक्चुअल बर्थ डेट 27 मार्च है और मेरे सर्टिफिकेट पे मेरा बर्थ डेट 2 जनवरी है। पूछिए क्यों? क्योंकि झोला लेकर के जब स्कूल गए तो मैडम जी पूछी कि कब पैदा हुआ, तो हम बोले तो माँ बाप को पता होगा कब पैदा हुआ, तो बोली माँ से पूछ के आना। गए वापस घर, माँ को पूछे कि हम कब पैदा हुआ, माँ सोच रही थी कि शाम को खाना कब बनाएंगे, ये कब पैदा हुए, ये नया सवाल पैदा हो गया। फिर टालने के लिए बोल दी हमको याद नहीं है, हम बोले नहीं बताना पड़ेगा, स्कूल में जो है लिखवाना है। तो बोलना, मैं माँ बोली कि मैडम को बोलना कि जो डेट उनको ठीक लगे वो लिख दो। फिर हम गए, और ये मैं आप चेक कर सकते हैं, और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। ऐसा कैसे हो जाता है कि इस देश में ज्यादातर लोगों का जन्मदिन जो सर्टिफिकेट पे वो 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच होता है, सब 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी में पैदा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास घर नहीं है तो आपके घर में वो डायरी भी नहीं होगी जिसमें आपका जन्मदिन लिखा हुआ होगा। किसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है? जाट के बगानों में काम करने वाले जो गरीब आदिवासी हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। इस देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। इस देश के जो गरीब किसान और मजदूर हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और पूछिएगा अपने आसपास, होटल में जो बच्चा काम कर रहा होगा, जहां आप संदेश खाने के लिए जाइएगा, उसको पूछिएगा बाबू इधर आओ, तुम्हारा जन्म कब हुआ है, देखिएगा वो आपको कौन सा डेट बताता है। तो जब थोड़ी मेरी स्थिति ठीक हुई और मैं अच्छे स्कूल में गया, तो मैं देखा कि हर दिन क्लास में कोई ना कोई महालेक्चर बांट रहा होता था। मैं पूछता था किस बात का, तो कहता था आज मेरा जन्मदिन है। तो साल बीत गया, हम अपनी माँ को बार बार कहें कि मेरा भी जन्मदिन बताओ, हम भी महालेक्चर बांट देंगे अपने क्लास में। तो माँ बोली पता ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि पुरानी लालमाई अलमीरा जो है, मेरे पिताजी की पढ़ी हुई थी और कॉपी लिखने के लिए खत्म हो गया था, तो माँ ने कुछ बची हुई पुरानी डायरियां निकाली, तो मैंने 27 मार्च के पन्ने पे देखा, उसमें लिखा हुआ था आज मेरे घर में एक मेहमान का आगमन हुआ है। मैंने माँ को दिखाया, कहा कि वो मेहमान मैं ही तो नहीं हूं। माँ फिर हिंदी का महीना जोड़ करके बताई कि हाँ वो तुम ही हो। और मजेदार बात जान लीजिए, मेरे छोटे भाई को आज भी नहीं पता है उसका बर्थडे क्या है, क्योंकि वो जिस साल पैदा हुआ उस साल की डायरी ही नहीं। ये मैं आपको कहानी इस देश का बता रहा हूं, यही इस देश का सच है। उस देश में जहां कोई भी डॉक्यूमेंट बनवा ले,
वहां डॉक्यूमेंट की टेक्नोलॉजी में आप आम लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशान करना चाहते हैं, और जो लोग भी आम लोगों की परेशानी के खिलाफ बोलेगा आप उसके ऊपर यह पेंट कर देना चाहते हैं कि देखो ये मुसलमानों के पक्ष में है और हिंदुओं के खिलाफ में है। और हिंदू मुसलमान की जो यह नफरतवादी राजनीति है उसको हवा मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक बात सोच करके बताइए कि लोग डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए लाइनों में जो लगे हुए हैं वो किसी एक धर्म है के हैं कि सभी धर्म के हैं? सब डॉक्यूमेंट खोज रहा है ना। अचानक से लोग अपने बाबा के मतलब दादा के दादाजी का नाम याद कर रहा है, क्योंकि यह पता करना पड़ेगा कि दादाजी के दादाजी किस गांव में पैदा हुए थे, वहां से जाकर के डॉक्यूमेंट खोजना पड़ेगा। कोई अपने मायके फोन कर रहा है, कोई अपने ससुराल फोन कर रहा है। एक तरीके से पूरे के पूरे देश में यह मसला सिर्फ बंगाल और आसाम का नहीं है, पूरे के पूरे देश में एक अराजक स्थिति पैदा कर दी गई है। सबके मन में एक डर बिठा दिया गया है। कहीं ना कहीं हर किसी को यह मालूम होता है कि हमारे एंसेस्टर्स कहां से आए हैं, हमारे पूर्वज कहां से आए हैं, तो वो पता करने में लगा हुआ है कि कोई डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। ये ऊपर से आप लोगों को देखने में लग सकता है कि यह घुसपैठियों का और मुसलमानों का मसला है, हकीकत में ये घुसपैठियों का मुसलमानों का मामला नहीं है, ये हम सब का मामला है। इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए यह जो फोरम है यह फोरम पीपल्स अगेंस्ट एनआरसी है। यह जो पीपल्स का कॉन्सेप्ट है, यह पीपल्स का कॉन्सेप्ट इस देश के संविधान की प्रस्तावना से ली गई है। इस देश के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का जो पहला लाइन है वो कहता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और इस लोग में हर धर्म के, हर संस्कृति के, हर भाषा बोली के, क्षेत्र के, पहचान के लोग शामिल हैं, और उनको आपस में बांटने के लिए जब एनआरसी की लिस्ट आसाम को लेकर के जारी हुई तो सरकार के द्वारा एक नया सरूपा छोड़ा गया। सरकार ने यह कहा कि मुसलमानों को छोड़कर के बाकी सब लोगों को शरणार्थी बना दिया जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें सुन लीजिए, एनआरसी की लिस्ट जब जारी होने वाली थी तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि 19 लाख में से 18 लाख मुसलमान होंगे, लेकिन जब फाइनल लिस्ट जारी हुई तो उसमें करीब 14.5 लाख 13 लाख हिंदू और 1.5 लाख से ज्यादा गोरखा लोगों का नाम आया। और जो गोरखा लोगों का नाम आया है उसको जब आप गौर से देखेंगे उस फाइनल लिस्ट को, तो वैसे लोगों का नाम उससे गायब कर दिया गया है जिसके बिना इस देश का इतिहास पूरा नहीं हो सकता है। इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी छविलाल उपाध्याय के परिवार के लोगों का नाम एनआरसी से बाहर कर दिया गया। गोरखा रेजिमेंट में काम करने वाले जो एक जवान है जिन्होंने इस देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी, शहादत दी, उनके परिवार के लोगों का नाम गायब कर दिया गया। जिनको साहित्य अकादमी दिया गया है, दुर्गा जी के बारे में बात कर रहा हूं, उनके परिवार के लोगों का नाम गायब कर दिया गया है। और फिर गोरखा लोगों के बीच में भाजपा के लोगों ने यह कंफ्यूजन फैलाया कि अमित भाई ने बोल दिया है, हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नेता का बात और घोड़ा का लाभ का कोई भरोसा नहीं होता। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमित भाई ने उद्धव ठाकरे को भी कहा था कि 2.5 साल हम लोग मुख्यमंत्री होंगे, क्या बोला था ना, तो शिवसेना का नेता बाल ठाकरे का कसम भी खा रहा है, हम कसम बाल ठाकरे की खाते हैं 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाएंगे। अमित भाई बोल गए, अमित भाई बोले हमेशा नहीं बोले हैं। और ये वही अमित भाई है, मैं आपको याद दिला दूं
कि जब 2014 का चुनाव माननीय मोदी जी जीत गए तो पत्रकारों ने अमित भाई को पूछा कि मोटा भाई, मोटा मतलब उनके शरीर के मोटापे को कुछ नहीं बोलते, गुजराती में बड़ा भाई को मोटा भाई बोलते हैं। हम बोले मोटा, बोला पत्रकार मोटा भाई 15 लाख रुपया कब आएगा? बोला वो तो चुनावी बात थी ना, चुनावी जुमला था, चुनाव में बहुत कुछ बोला जाता है। तो अमित भाई के बात पे भरोसा नहीं कीजिए, अमित भाई जो बोलते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और जो करते हैं उसके बारे में वो बोलते नहीं है। पूछिए कैसे, 2019 का जब कैंपेन हो रहा था तो एक भी भाषण में अमित भाई बोले थे कि हम 370 हटाने वाले हैं, ये बोले थे कि राम मंदिर पर फैसला आने वाला है, क्या कह रहे थे, विकास की गंगा बहेगी है, अब हम लोग खोजे जा रहे हैं कि विकास कितना है, विकास मिल ही नहीं रहा है। जिस राज्य में सरकार बनाए हुए हैं वहां हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की आग को भड़का करके सरकार चला रहे हैं, और जहां सरकार में नहीं है वहां आकर के विकास की बात करते हैं, चुनाव जीते हुए विकास के नाम पर, और जब चुनाव जीत के आ जाएंगे तब विनाश का काम करते हैं। इसीलिए जो पूरा का पूरा राजनीति है उस राजनीति को हम लोगों को समझने की जरूरत है। लेकिन हमारे सामने संकट यह है कि यह जानकारी हम लोगों को प्राप्त कैसे होगी? अखबार में जो बात लिख ली जाती थी उसको हम लोग सच मान लेते थे, कॉलेज में जब बहस होती थी तो बहस को जीतने के लिए हम लोग कहते थे कि बकवास मत करो, अखबार में छपा, अब यह बात नहीं बोल सकते क्योंकि अब अखबार में बकवास ही छपता है। ये कारण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि अभी हमारे विश्वविद्यालय में एक आंदोलन चल रहा है, आप लोगों को जानकारी तब हुई होगी जब आंदोलन का 15वां दिन था। यह मत समझिए कि जिस दिन हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पिट रहे थे आंदोलन उसी दिन शुरू हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आंदोलन का 15वां दिन था, वो विशेष दिन क्यों था, क्योंकि विशेष व्यक्ति हम लोगों को डिग्री देने के लिए आए, जिनके पास खुद डिग्री नहीं है वो दूसरों को डिग्री देने के लिए जाते हैं। मुझे भी अपनी पीएचडी की डिग्री लेने के लिए जाना था, हमने कहा कि वैसे लोगों से डिग्री नहीं लेंगे जो लोग शिक्षा और शिक्षण संस्थान की हत्या करते हैं। दीक्षांत समारोह का दीक्षा अंत हो रही थी, हम लोगों की डिग्री प्राप्त करना था, खुद जेएनयू 1000 एकड़ में फैला हुआ है, जेएनयू में कई ऑडिटोरियम हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय जेएनयू नहीं आए थे, दूसरे इंस्टीट्यूट के बिल्डिंग के ऑडिटोरियम में जेएनयू का दीक्षांत समारोह हो रहा था। क्यों? क्योंकि प्रशासन गायब था, होटल हमारा वाइस चांसलर भी देश के प्रधानमंत्री को फॉलो करता है, देश के प्रधानमंत्री देश में नहीं रहते हैं, बीसी बीसी यूनिवर्सिटी में नहीं रहता है, वो जो है दीक्षांत समारोह के बाहर जब स्टूडेंट जमा हो गए तब तो दिखाना पड़ा, और जिन्हीं को हंगामा दिखा तो जो प्रोपेगेंडा चैनल है, एक तो चैनल से बड़ा लाजवाब, हम एक लॉज में रुके हुए हैं तो वहां पर वही चैनल आता है, हम खोज रहे थे कि कुछ और मिल जाए तो मिला ही नहीं, अपना जी चिल्लाते हुए दिख रहे थे। अब उस चैनल को हम देख रहे थे तो एक चीज हमने नोटिस की, हमको पता ही नहीं चला कि कब न्यूज बुलेटिन चल रहा है और कब ऐड चल रहा है, दोनों एक ही जैसा लग रहा है। ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप लोग भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिस तरीके से ऐड में झूठ बोलता है उस तरीके से न्यूज में झूठ बोला जाता है, और चूंकि वो हमारा जाति मामला है हमको ज्यादा समझ में आ रहा है, हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूज चैनल ने कहा
कि ये विद्यार्थी क्लासरूम छोड़कर के सड़कों पे क्या कर रहे हैं। तो अगर वाइस चांसलर अपना ऑफिस छोड़कर के किसी और बिल्डिंग के ऑफिस में बैठा हुआ है, तब तो आपके मन में प्रश्न नहीं आया कि ये वाइस चांसलर अपना यूनिवर्सिटी छोड़कर के दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या कर रहा है। अगर वो होता अपने ऑफिस में तो स्टूडेंट को सड़क पर आने की क्या जरूरत है। आप सब सोच करके बताइए, यूनिवर्सिटी जब जाते हैं तो क्या करना अच्छा लगता है। चाय पीना, कॉफी पीना, बात करना, मिलना जुलना, दोस्ती करना, ये अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगे, चलो आज इंकलाब जिंदाबाद करेंगे और पुलिस से डंडा खाएंगे, ये कोई अच्छी चीज है। ये मजबूरी है, सबसे पहले हमको ये समझना। अब मजबूरी में जब पिट रहे थे तो इनको अचानक से लोगों की परेशानी याद आई, ट्रैफिक जाम का याद आ गया। ट्रैफिक जाम कल ही हुआ था जब डंडा चल रहा था, उससे पहले तो इस देश में ट्रैफिक जाम होता ही नहीं है। तब ये मुद्दा नहीं था। मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि इससे आप एनआरसी को बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रैफिक जाम का मुद्दा याद आ गया, फिर कहा कि फीस तो इतना कम है, फीस तो और ज्यादा होना चाहिए क्योंकि आईआईटी का फीस ज्यादा है। अब बताइए, मैंने अगर हम आपको ये कहें कि आप केला और सेब का तुलना कीजिए तो आप कर पाएंगे। केले की तुलना केले से ही की जा सकती है और सेब की तुलना सेब से की जा सकती है। सेब की तुलना आप केला से कैसे करेंगे। आईआईटी में फीस ज्यादा है, इसका यह मतलब थोड़ी है कि पूरे देश में फीस ज्यादा लेना चाहिए। उल्टे तो यह होना चाहिए कि आईआईटी की फीस भी कम होनी चाहिए। कि आईआईटी में फीस ज्यादा है, इसे सब जगह ज्यादा फीस होना चाहिए। फोर्टिस में इलाज महंगा है, इसलिए एम्स का इलाज भी महंगा कर दो। आप संविधान के द्वारा कहते हैं कि शिक्षा लोगों का बुनियादी अधिकार है, तो शिक्षा जब लोगों का बुनियादी अधिकार है तो यह अधिकार देना किसकी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी। और जहां लोग पढ़ रहे हैं पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट में, तो स्वाभाविक रूप से वो टैक्स का पैसा है। तब ये टैक्स पेयर्स को यह याद आता है कि टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। माय डियर टैक्स पेयर्स, हम लोग हाईली ऑर्गेनाइज हुए कि आपके टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की, और इसीलिए पढ़ाई की है कि हम भी आपकी तरह टैक्स पेयर बन सकें। और कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो अपनी पढ़ाई पूरी करके टैक्स पेयर नहीं बनता है। जब हम निकल करके टीचर बनते हैं, ब्यूरोक्रेट बनते हैं, तो क्या हम टैक्स नहीं देते हैं। एक ही काम हो सकता है कि बिना टैक्स पे किए हम मजा उड़ा सकते हैं अगर देश का नेता बन जाए तो। तब टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी की याद नहीं आती है जब इस देश के मुख्यमंत्री, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, 192 करोड़ में अपने लिए जेट एयरवेज खरीद लेते हैं। तो कौन चीज खरीदे, प्राइवेट प्लेन खरीद लेते। तब टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं होता है, तब टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं होता है जब इस देश के नेताओं को आप अगर जिंदगी भर नौकरी कर लीजिए तो न्यू पेंशन स्कीम के नाम पे आपका पेंशन बंद कर दिया गया, लेकिन 2 दिन के लिए एमएलए बन जाएगा सखी कुल रहे हैं तो आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगा, आपके बाद आपके बीवी को भी मिलेगा। यह टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं हो गया। किसान को सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में इन बेईमानों को सब्सिडी मिलना चाहिए। जब पार्लियामेंट का कैंटीन का खाना खा करके देखिएगा, थाली सब्सिडाइज, तो पार्लियामेंट के कैंटीन में सब्सिडी चलेगा, किसानों को खेत में सब्सिडी नहीं मिलेगा। इसी को बेईमानी कहते हैं। तब टैक्स पेयर के प्रेसिडेंस का लोगों को याद नहीं आता है जब इस देश की राजनीति के लिए अरबों खरबों रुपए बर्बाद किए जाते हैं। अभी जेएनयू की हालत यह है कि 100 में से 40 विद्यार्थी नहीं पढ़ पाएगा अगर ये फीस लागू की जाती है। तब क्या कहेगा, अच्छा 10,000 का मोबाइल खरीद सकते हो, 10 रुपए का फीस नहीं ले सकते हो। तो मतलब तुम्हारा जो नफरत है वो नफरत टैक्स के पैसा को बचाने के लिए नहीं है, तुम्हारा नफरत इस बात के लिए है कि आंगनबाड़ी में काम करने वाली का बच्चा पढ़ भी रहा है, रेली पटरी में फल बेचने वाला का बच्चा पढ़ क्यों रहा है,
14 वर्णन करने वाली महिलाओं का बच्चा पढ़ भी रहा है, और सिर्फ पढ़ ही नहीं रहा है, 5 ट्यूशन लगाने के बावजूद आपके बच्चों से अच्छा कर रहा है, आपसे कॉम्पीट कर रहा है, इसीलिए आपको पेट में दर्द होता है। और टैक्स पेयर्स के पैसे को लेकर के इतना बड़ा आर्गूमेंट है, तो ये भी बताइए कि एक भी कितना नेता आपको मिला है जिसका बच्चा इस देश के विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है? पढ़ने के लिए कहा जाता है जर्मनी, लंदन, अमेरिका, तो वहां भी तो किसी का टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है। क्या ऑक्सफोर्ड किसी के टैक्स पेयर के पैसे से नहीं चल रहा है? कैम्ब्रिज किसी टैक्स पेयर के पैसे से नहीं चल रहा है? हम्बर्ग किसी टैक्स पेयर के पैसे से नहीं चल रहा है? तो दूसरे देश के नागरिकों के टैक्स पेयर के पैसे पे आपका बच्चा मजा उड़ाए और एमबीए में फेल होकर के आ जाए, फिर आप उसको नेता बना दीजिए, ये चलेगा? लेकिन देश के टैक्स पेयर के पैसे पे अगर इस देश के यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ रहे हैं, ये आपको बर्दाश्त नहीं है। और क्या कहते हैं नेताओं का बयान? भाजपा के एक नेता ने कहा कि सरकारी स्कूलों से नक्सली पैदा होते हैं, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए इन्होंने आर्गुमेंट दिया कि पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो बताइए जेटली मरने के वक्त एम्स में क्या करने के लिए गया था? एम्स पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है कि नहीं? पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट है कि नहीं? आईआईटी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट है कि नहीं? आईआईएम पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट है कि नहीं? जेएनयू पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट है कि नहीं है, जिसको पिछले 3 साल से बेस्ट यूनिवर्सिटी का राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है? और तो और मोदी जी को भी मंत्री बनाने के लिए 2 लोगों को जेएनयू से ही लेना पड़ा है। क्या बकवास है ये? मैं आपको बता रहा हूं कि डबल स्पीक क्या होता है, और डबल स्पीक को जब ये लोग देखते हैं कि पकड़े जाने वाले हैं, तो फिर एक नया चाल चलते हैं। जब स्टूडेंट के इस मांग को ये लोग बदनाम नहीं कर पाए, ट्रैफिक के नाम पे, टैक्स पेयर के पैसे के बर्बादी के नाम पे, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट को बदनाम करने के नाम पे, तब इन्होंने कहा कि ठीक है, हम फीस वापस ले लिए। ब्रेकिंग न्यूज चला अचानक से कि भरी हुई फीस वापस ले ली गई है। हमारे आसपास के लड़कों ने हमको मोबाइल में दिखाना शुरू किया, कहा भैया मुबारक हो। हम बोले क्या हुआ? ना मेरी शादी हुई है, ना कोई खुशखबरी हुई है, किस बात का मुबारक? तो बोला जेएनयू का फीस वापस हो गया है। हम बोले कहां देख रहे हो? हम बोले न्यूज चैनल में। हम बोले सब कुछ हो गया। और जब हमने पता किया तो पता चला कि झूठ ट्वीट किया गया है। चाहिए बढ़ी हुई फीस वापस नहीं ली गई है। पूरे देश को पता चल गया कि बढ़ी हुई फीस वापस ले ली गई, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज आ गया है। और उसको देश में फैला करके एक नया शगुफा छोड़ा गया कि जेएनयू में विवेकानंद जी का अपमान किया गया है। अव्वल तो ये कि विवेकानंद जी का अपमान जेएनयू का प्रशासन कर रहा है। कई साल से मूर्ति बनकर के तैयार है, मूर्ति कपड़े से ढकी हुई है, और उस कपड़ा को उठाने का फुर्सत नहीं है भाजपा के नेताओं को। शायद वाइस चांसलर की इच्छा हो कि प्रधानमंत्री के कर कमलों से वो मूर्ति के ऊपर जो कपड़ा है उसको उठाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री देश में होंगे तब ना, देश के विश्वविद्यालय में घूमेंगे, वो तो विदेश में रहते हैं, तो उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। उस मूर्ति के आसपास जैसे हम लोग कूल होकर के बहुत सारा बात बोलते हैं आजकल, हम वो सब बोलना नहीं चाहते, कूल होकर के हम लोग बोल देते हैं। हालांकि उस शब्द के भी अपने अलग अलग मायने हैं कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में और कितने वॉल्यूम के साथ उसको बोल रहे हैं, तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो वो शब्द वहां पर लिख दिया गया, कौन लिखा मालूम नहीं, जो लिखा वो गलत किया, हम लोग इसका समर्थन नहीं करते। स्टूडेंट यूनियन ने आधिकारिक बयान दे दिया कि हम लोग नहीं लिखे हैं और ना हम लोग इस लिखे जाने का समर्थन करते हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से दिन रात ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है कि जेएनयू में विवेकानंद जी का अपमान किया गया। ये क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि फिर आपके तक यह खबर नहीं पहुंचे कि इस देश की सार्वजनिक क्षेत्र की एक नई कंपनी को बेच दिया गया।
आज तक यह खबर नहीं पहुंचे कि इस देश के स्कूलों में एक नई बात पढ़ाई जा रही है कि गांधी की हत्या नहीं हुई थी, एक्सीडेंट हो गया था। गांधी मर्डर वाज एक्सीडेंट, ये स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। तो गोडसे गांधी को मारने के लिए नहीं गया था, पिस्तौल लेकर के लव एक्सप्रेस करने के लिए गया था, फिर डिनर बन गया। क्या पढ़ा रहे हैं आप बच्चों? एक तरफ कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी सरकार हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो बीएसएनएल पाकिस्तानी कंपनी है कि भारतीय, बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। पाकिस्तान संचार निगम लिमिटेड तो नहीं है, तो एक राष्ट्रवादी सरकार एक राष्ट्रीय कंपनी को क्यों बेच रही है? भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, भारतीय रेल राष्ट्र की संपत्ति है, ये राष्ट्र की संपत्ति है तो उसके निजी हाथों में क्यों बेचा जा रहा है? बीएसएनएल का एक कर्मचारी जिसको कई महीनों से वेतन नहीं मिला था, ऑफिस में उसने आत्महत्या कर दी। सरकारी आंकड़ा आया है कि एक साल में 11,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। देश का किसान मर रहा है, खेत में मर रहे किसान, सीमा पे शहीद हो रहे जवान। इसीलिए आपके डाइनिंग हॉल के टीवी के प्राइम शो में दिन रात होता है हिंदू और मुसलमान, इस बात को आप समझ लीजिए। और इसी हिंदू और मुसलमान की नफरतवादी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ये एनआरसी का स्वरूपा छोड़ा गया है। टेक्निकली इस देश में आप सोच करके बताइए, सरकार रोड नहीं बना पा रही है, नेशनल रजिस्टर बनाएगी? सरकार जो है, जो नाला है आपके घर के सामने उसके ऊपर ढक्कन नहीं बनवा पाती है और एनआरसी रजिस्टर बनवाएगी? कुछ नहीं होना है। और जो डॉक्यूमेंट बनता है उसकी स्थिति आप देख लीजिए, वोटर आईडी जो आपको मिलता है उसमें आप अपनी शक्ल देख करके चौंकते हैं कि नहीं चौंकते हैं? गलती से अगर किसी की शादी हो रही हो, लड़के को लड़की का वोटर आईडी मिल जाए और लड़की को लड़के का वोटर आईडी मिल जाए, तुरंत ब्याह टूट जाएगा। इतना खूबसूरत फोटो उसमें छपता है। और कई बार तो यह होता है कि नाम रहता है बेटा का, फोटो रहता है बाप का। नाम रहता है बाप का, फोटो रहेगा बेटा का। एक डॉक्यूमेंट तो ठीक से बन नहीं पाता है। बड़ा दावा किया जा रहा था कि आधार को हैक नहीं किया जा सकता है। जो ये दावा कर रहे थे उसी का आधार हैक करके उसी को व्हाट्सएप कर दिया। देश की जो हालत है उस हालत पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। करीब 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश और भारत का। पूरे देश का जो बॉर्डर है, ये मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, पूर्वी क्षेत्र, पूरे देश का बॉर्डर लगभग 4000 से ज्यादा है और अकेले 2200 सिर्फ बांग्लादेश के साथ है। इतना बड़ा एरिया है, घुसपैठ को रोकना चाहते हैं, फेंसिंग करवा दीजिए, गेट बनवा दीजिए। इजराइल गए थे टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए, ये कि कैमरा लगवा देंगे तार पे। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक गाना है, तार बिजली से बदले हमारे लिए। तो कैमरा लगवा दीजिए, देखता रहेगा कि कौन पिया आ रहे हैं, कौन पिया जा रहे हैं। आप ये बात बोल करके कि देश में घुसपैठ हो रहा है, दिन रात जिन जवानों के नाम पे वोट लेते हैं उसी सशस्त्र सीमा बल के जवानों के ऊपर आप शक कर रहे होते हैं। जो लूप होल्स है आप लूप होल्स को ठीक कर दीजिए। ये जो पूरा का पूरा मामला है, जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज है, वो देश के नागरिकों को पहचान करने का एक्सरसाइज नहीं है, देश के नागरिकों को परेशान करने का एक्सरसाइज है। इस बात को आप समझ लीजिए। और पहचान करने की जहां तक बात है, फिर से एक बात मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह के लोगों को इस डॉक्यूमेंटल एक्सरसाइज में फंसाया जाएगा। मान लीजिए कि मैं दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी हूं और मुझे पता है कि मेरे दादाजी के बाबूजी पाकिस्तान से आए थे हिंदुस्तान रहने के लिए विभाजन के वक्त में, और सिर्फ मेरे ही नहीं आए थे। आप अगर इस देश का इतिहास देखेंगे, खुद आडवाणी भी पाकिस्तान से आए, बात करने को
लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी का नेता और उनके भेज पितामह भाजपा वालों के, वो भी पाकिस्तान से आए। डॉक्यूमेंट अगर ढूंढने के लिए जाए तो इस देश के जो गरीब लोग हैं, करोड़ों लोग, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। इसीलिए नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर पूर्वी बॉर्डर से घुस करके आए थे तो आए कलकत्ता सेटल किए, रिफ्यूजी कैंप में रहे, फिर वहां से जब वो चले गए हैदराबाद अपने मासी के घर पे, फिर वहां जूते की दुकान खोल लिए, वहां ताला चलाने लगे, फिर जो है उनको सरकारी नौकरी मिल गई, फिर वो पद में शामिल हो गए, फिर बच्चा पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड चला गया, वो वहां से आकर के पीएम बन गया। इतनी धनी है भाई, कहां का खोजते चलेगा? और किसको समस्या होगी? जो लोग लगातार विस्थापित हो रहे हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उनको जाना पड़ा, जिन लोगों के पास कोई अस्थाई रोजगार नहीं है, मजदूरों के पास कोई अस्थाई रोजगार नहीं होता है। बिहार के मजदूरों की कहानी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से फसल होता है उस तरीके से हमारा विस्थापन होता है। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, कभी ये हिंदी फिल्म का गाना बोलता था, अब तो रंगून नहीं जाते हैं, अब तो जो है भोजपुरी अब तो सही कलकत्ता नहीं जाते, हम तो दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, क्योंकि आईटी सिटी कलकत्ता में नहीं बना है, बेंगलोर में बना है, तो बीटेक करके आईटी इंजीनियर बनकर बेंगलोर जाएंगे रहने के लिए। इसीलिए जो एनआरसी का मामला है वो एक शहर तक सीमित नहीं है, एक राज्य तक सीमित नहीं है, अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ा तो पूरे देश पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और परेशानी किसी एक धर्म के लोगों को नहीं होगी, सभी तरह के लोगों को होगी, क्योंकि करोड़ों लोग दुनिया के इतिहास का यह सबसे बड़ा विस्थापन था, लाखों लोग उसमें मारे गए और करोड़ों लोग इधर से उधर हुए थे। यह पूरी की पूरी राजनीति उस घाव को कुरेदने की राजनीति है। हमारा सरकार से सीधा मांग है कि इस देश में जो रहने वाले लोग हैं, जो पीढ़ियों से इस देश में रह रहे हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, और उनकी नागरिकता सिद्ध करने के नाम पर उनको परेशान नहीं किया जाए। जिस तरीके से सरकार के पास अगर कोई यह व्यवस्था नहीं है तो वो चेक कर सके कि कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट के नाम पे एक बार फिर से हिंदू मुसलमान की राजनीति को, उस नफरत को हवा नहीं दिया जाए, क्योंकि जिस आधार पर यह बात बोली जा रही है यह आधार इस देश में लागू होना संभव नहीं है, कि हमारे देश का जो संविधान है वह वैज्ञानिक आधारों पर काम करता है, और वैज्ञानिक आधार यह है कि मेरा नाम कन्हैया है और मुझे उधार करनी है, और इनका नाम कामराम है और इनको भागा है, तो डॉक्टर इनको भी पारासीटामोल ही देगा और हमको भी पारासीटामोल ही देगा। इस देश का संविधान कहता है कि अगर इस देश में हम पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप अगर भारतीय हैं, तो हम भारत के नागरिक हैं। अब हमारे दादा के दादाजी कहाँ रहते थे, पेशावर में रहते थे कि ढाका में रहते थे, इस बात के आधार पे दादाजी के पोताजी को नहीं परेशान किया जा सकता है। और ये कोशिश सीधे तौर पे अंग्रेज इस्तेमाल करते थे, रिवाइवल रूल, और अंग्रेजों के साथ चाय पे चर्चा करने वाली यह जो सरकार है ये हमारे साथ इस्तेमाल कर रही है डाइवर्जेंट रूल। इस डाइवर्जेंट रूल की पॉलिसी में हमको नहीं फंसना है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि भारत में रहने वाले सभी धर्म और पहचान के लोग भारत के नागरिक हैं, उनकी नागरिकता सिद्ध करने के नाम पर उनको परेशान नहीं किया जाए। दिक्कत यह है, अभी मुझे बंगाल के कई साथियों ने खबर दी कि अमूमन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक दिन में एवरेज 10 लोग जाते थे ऑफिसों में, अभी 500, 1000, 800 लोग लाइन लगा के पहुंच जाते हैं। और आपके मोबाइल में भले 4G आ गया हो, सरकारी कंप्यूटर का भी डॉस सिस्टम पे काम कर रहा है ना, रेलवे में टिकट बुक कराए हैं नहीं, अभी भी डॉस पे ही टिकट बुकिंग होता है, उसमें अपडेट होकर के विंडोज नहीं हुआ है। कंप्यूटर की हालत यह है कि कभी सर्वर डाउन हो जाएगा, कभी बिजली चली जाएगी। मुझे समय पे यहाँ आना था, फोन करके बताया प्रोफेसर जी की बिजली चली गई है,
जहर भी लगा देता है। तो एक दिन का नौकरी छोड़ करके, एक दिन का काम छोड़ करके लोग लाइन में लगेगा, फिर उस दिन डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा, फिर अगला लाइन में लगेगा, पति पत्नी में अलग झगड़ा होता है। आपको पता है सुबह में पानी भरने के लिए पति पत्नी का गुड मॉर्निंग ही इस बात के लिए शुरू होता है कि आज जो है तुमको पानी भरना था, तुम उठ करके जो है मोटर चलाएंगे नहीं। तो पति कहा कि नींद आ गई, पति बोला कि अगला दिन तुमको चलाना पड़ेगा, और इसके पनिशमेंट में अगला दिन भी तुमको चलाना। बिना मतलब का जो है तबाह हो रहे हैं। और फिर मैं उदाहरण से अपनी बात को खत्म करूंगा। जब मेरी माँ मुझे अपना बजट नहीं बता रही थी ना, तो मुझे कई मन में लगता था कि कहीं इस किस्म से नहीं आई है कि हमको डेट नहीं बताया। परेशान करना ये ठीक बात नहीं। राजनीतिक लोग, नेता लोग अपनी राजनीति के लिए करते हैं, लेकिन हम नागरिकों को अपने अधिकार को लेकर के सजग होना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान की राजनीति को हवा देने की कोशिश को हर हाल में हराना होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंशाल्लाह खुदा हमारे साथ।